हेलो एवरीवन, दिस इज ईवा। वेलकम बैक टू योर चैनल आरटी देवा। आज के वीडियो तो बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। मैं जब कमेंट्स जाके पढ़ रही थी, मैं हर एक कमेंट्स पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसे रिप्लाई करूँ। कभी कभार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। जब भी मैं पढ़ती हूँ और उससे मुझे पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, हालांकि मैं रिप्लाई कर नहीं पा रही हूँ, बट आपकी जो विश है ना, मैं हर टाइम चाह रही हूँ उसे फुलफिल करने के लिए। अभी मुझे लगा कि आप डीआईवाईज ही देखना चाह रहे हो, सो मुझे लगा कि नहीं, मैं डीआईवाई पे ही आ जाती हूँ अभी। सो ये वाला जो वीडियो है, मैं बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप सब ट्राई कर सको। हर टाइम तो मेरा वही कोशिश रहता है कि मैं इस प्रोडक्ट से डीआईवाई बनाऊँ ताकि आप सब उसे ट्राई कर सको। एंड आप जब भी डीआईवाईज बना के मुझे भेजते हो एंड मुझे रिक्रिएट करके सेंड करते हो ना, मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। सो आई कैन टेल दैट माई काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन आप जब भी सेंड करते हो, मैं तो खुश हो जाती हूँ। सो मैं बहुत सारे बातें ऐसे बैठ के गप्पे मार रही हूँ। सो अभी के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। सो आई नेक्स्ट आवर में हम एक ग्लास बॉटल क्राफ्ट करेंगे। बहुत दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि मैं ग्लास बॉटल के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ। सो इसीलिए आप बोल रहे थे कि वाइन ग्लास बॉटल के ऊपर आप कुछ कीजिए। ओके, मैं पहले तो मास्किंग टेप से एक जगह को कवर कर दी, बाकी सारे जगह को मैं जेसो के साथ अभी कवर अप कर रही हूँ। जेसो के साथ हम क्यों कवर करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम एक्रेलिक पेंट को ग्लास बॉटल के ऊपर डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर हम इसे वाइप कर देंगे या फिर रनिंग वाटर से वॉश कर देंगे, ये तुरंत ही निकल जाएगा। तो इसीलिए एक्रेलिक कलर को स्टिक होने के लिए एक मीडियम चाहिए। सो बेस में अगर आप जेसो लगाएंगे तो ये अच्छे से आपके ग्लास बॉटल के ऊपर स्टिक हो पाएगा। ओके, जेसो ड्राई होने के बाद मैं इसे काफ़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ रखी थी। ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ करूँगी, सर्कल्स ड्रॉ करूँगी, हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी। आपको जो मर्जी आप ड्रॉ कीजिए, बस ये ध्यान रहे आप जो भी एरियाज क्रिएट कर रहे हो थोड़ा सा वाइट रहे, क्योंकि अगर आप इसके अंदर कलरफुल कर रहे हो तो अच्छे से बाहर की तरफ दिखाई दे। बहुत ज़्यादा क्लमजी होने से उतना अच्छा जो कलर इफेक्ट है वो नहीं आएगा। सो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। ड्रॉ करने के बाद मैं इसे आपको पास से दिखाती हूँ। बस इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है। हर एक सेक्शंस को मैं कलर से फिल करूँगी। मैं यहाँ 3 या 4 सेट्स यूज़ कर रही हूँ। जो भी कलर सेट्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो सबको मैं मेंशन कर दूँगी। आप चाहो तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। मैं इसको बहुत ही सूदिंग सा कलर सेट्स के साथ तैयार करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लेना था। बॉटल के नीचे वाला पार्ट ख़त्म होने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको मैं कम्प्लीटली टेल ब्लू के साथ ही कवर करूँगी। एंड कवर करने के लिए मैं यहाँ ब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो आप डैबिंग स्पंज से भी इसे कवर कर सकते हो। एंड देखिए, सारे कलर्स ड्राई होने के बाद ये जो मास्किंग टेप है इसे मैं अभी निकाल दूँगी। एंड इसे मैं क्यों छोड़ रखी थी वो तो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी, बट इसके ऊपर मुझे कुछ पेंटिंग करना है। चलिए, वो भी बहुत ही आसान है, उसे भी पेंट करते हैं। ये कम्प्लीटली तैयार है। अभी बहुत ही कम टाइम और एफर्ट पे आप इसे तैयार कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा आर्ट पीस बहुत ही झट से तैयार हो गया। अपने किचन रूम डेकोरेशन पे या फिर अपने कुछ भी टेबल डेकोरेशन पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही कम इन्वेस्ट करके एंड बहुत ही कम टाइम स्पेंड करके आप अपने जगह पे कलर्स आर्ट कर सकते हो।
ये जो बीच वाला सेक्शन में मास्किंग टेप से छोड़ रखी थी, इसे मैं इसीलिए छोड़ रखी थी क्योंकि इसके अंदर मुझे एलईडी लाइट्स पुट करना था। मुझे लगा ये जो ग्लास एरिया है इसके थ्रू ही लाइट्स पास हो पाएगी बाहर की तरफ। सो प्लानिंग तो यही था मेरा, एग्जीक्यूट भी मैं अच्छे से कर लिया, बट इसका जो फाइनल आउटलुक है चलिए हम उसे चेक करते हैं। बट फीडबैक आप मुझे दीजिएगा कि इसका फाइनल लुक सच में अच्छा आया या नहीं। सो आपके फीडबैक का इंतजार रहा मुझे, चलिए इसका जो फाइनल आउटलुक है इसे अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट डे आवाई के लिए मुझे इस टाइप के क्यूट सा वर्ड्स चाहिए, एंड इसका जो ड्राइंग है मैं पहले बना के रख चुकी हूँ। इस डे आवाई को मैं कार्डबोर्ड के साथ ही तैयार करूंगी, सो मैं यहाँ कार्डबोर्ड ले रही हूँ एंड कार्डबोर्ड के ऊपर इसे ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ येलो कार्बन पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी ये ट्रांसफर होने के बाद मुझे तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, शायद आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, सो इसीलिए मैं यहाँ पेंसिल से मार्क करके आपको दिखा रही हूँ एंड इसे सेम लाइन को फॉलो करके मैं इसे कट करूंगी। कट करने के लिए मैं यहाँ हॉबी नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहो तो आप पेपर कटिंग नाइफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप सीजर्स के साथ कम्फर्टेबल हो देन आप सीजर्स भी यूज कर सकते हो। अभी जो दोनों बर्ड से ये कट होके बिल्कुल ही रेडी है, मैं इसके ऊपर क्ले पुट करूंगी। आप किसी भी तरह के एयरड्राई क्ले ले सकते हो, मैं फेविक्रिल का जो मोल्डिट है इसे यूज कर रही हूँ एंड इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पुट करूंगी। क्ले को मैं यहाँ रोल बना के इसका जो एजेस वाला पार्ट है इसके ऊपर डालूंगी। बट क्ले रोल को डालने से पहले आप याद से यहाँ क्राफ्ट ग्लू का इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो क्ले ड्राई होने के बाद कार्डबोर्ड के ऊपर से निकल आएगा। मैं यहाँ सारी इसके ऊपर तो क्ले ऑलरेडी पुट कर चुकी हूँ, मैं यहाँ थोड़ा सा फीडर जैसा कुछ क्रिएट करना चाह रही थी, सो इसीलिए मैं बीच वाले सेक्शन पे भी इस तरह क्ले पुट कर रही हूँ। पहले तो क्ले पुट करके मैं इसे कम्प्लीटली ड्रा होने के लिए छोड़ दूंगी एंड ड्रा होने के बाद कलर अप्लाई करूंगी। कलर मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रही हूँ जो कि एक्रीलिक कलर है, आप चाहो तो आप इसके जगह चॉक पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो एंड मैं यहाँ बिना प्राइम कोट दे के ही कलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ कार्डबोर्ड ले रही हूँ और मेरा जो कार्डबोर्ड का थिकनेस है वो इतना ज्यादा नहीं है, सो इसीलिए मैं प्राइम कोट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। दो बर्ड्स के ऊपर मैं दो डिफरेंट कलर्स अप्लाई करूंगी, एक के ऊपर मैं मीडियम मजेंटा अप्लाई कर रही हूँ और दूसरे के ऊपर मैं अक्वा ग्रीन कलर यूज करूंगी। कलर आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जरूर चूज कीजिएगा। इसका जो एज है जिसके ऊपर मैं क्ले पुट करी थी इसको हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ व्हाइट एक्रीलिक पेंट से इसे पेंट कर रही हूँ। आयरन पेंट करने के बाद मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए फिर से छोड़ दूंगी। इसको मैं अपने बालकनी डेकोरेशन पे यूज करने वाली हूँ एंड बालकनी पे मैं इसे हैंग करने वाली हूँ। जब बालकनी में हवा चलती है जितने सारे मिरर पीसेस है उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही सुंदर होती है, सो इसीलिए मैं यहाँ मिरर्स पुट कर रही हूँ। बहुत ही छोटे छोटे मिरर्स मैं यहाँ डाल रही हूँ ताकि बहुत सारे मिरर्स मैं यहाँ इस्तेमाल कर पाऊँ, क्योंकि जितना ज्यादा मिरर्स आप इस्तेमाल करोगे उतना लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उतना अच्छा आएगा जब आप इसे हैंग करोगे। ये बिल्कुल ही मैंडेटरी नहीं है कि आप भी डायमंड शेप के ही मिरर्स पुट करें, आपके पास जो भी छोटे साइज के मिरर्स है आप पुट कर सकते हो। इन सारे मिरर्स पुट करने के बाद मैं इसे काफी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी। अभी मैं दोनों बर्ड्स को बैठाने के लिए एक ट्री ब्रांच तैयार करूंगी एंड इसे भी तैयार करना बहुत ही आसान है, उसे भी मैं कार्डबोर्ड के साथ ही तैयार करूंगी।
मैं पहले से ही कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह ड्रॉ करके रखी हूँ। इसे भी मैं हॉबी नाइफ से ही कट करके निकाल दी। इसका जो साइड है, जैसे इसको मैं कवर अप करूंगी, आप चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, बट कवर करने के बाद उसका लुक काफी अच्छा हो जाता है। सो इसीलिए मैं तो कवर करती हूँ हमेशा। एंड कवर करने के लिए मैं नॉर्मल सा जो पेपर है, आप न्यूज़पेपर या फिर कुछ भी नॉर्मल पेपर ले सकते हो। मैं भी यहाँ ए4 साइज के जो व्हाइट कलर पेपर मेरे हाथ के पास था, उसे यूज कर रही हूँ। एंड जो सोल्यूशन आप देख रहे हो, यहाँ मैं फेविकोल एंड वाटर को इक्वल अमाउंट पे लेके मिक्स करके रखी हूँ। पेपर को स्टिक करना बहुत ही आसान है। मैं बहुत सारे वीडियोस में इसे ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, सो मैं एक दो यहाँ स्टिक करके दिखा रही हूँ, बाकी सारे मैं स्किप कर रही हूँ। ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। इसे ड्राई करने के लिए मैं इसे हाफ एन आवर ऐसे ही छोड़ रखी थी। एंड ये ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर कलर अप्लाई करूंगी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्राउन एक्रिलिक कलर ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ऐसे ही रख सकते हो। मैं यहाँ स्वीट होम लिख के इसको बालकनी पे हैंग करूंगी। मुझे लगा बहुत ही स्पेस है, मैं इजिली इसे लिख सकती हूँ, सो मैं यहाँ लिख के इसे तैयार कर रही हूँ। बस इसके ऊपर दोनों वर्ड्स को स्टिक करने के लिए मैं यहाँ हॉट ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड ये कम्प्लीटली तैयार होने के बाद मैं इसे हैंग करूंगी। हैंग करने के लिए आप जूट रोप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जूट रोप इसके साथ बहुत ही अच्छे से जाएगा। अगर आप चाहो तो आप मैक्रामे या फिर मेटल चेन के भी इस्तेमाल कर सकते हो। टावर को बनाने के लिए मैं यहाँ एमडीएफ बोर्ड ले रही हूँ। आप इसके जगह कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप कैनवास फ्रेम भी ले सकते हो। फ्रेम या बोर्ड कुछ भी आप कैनवास के ले सकते हो। इसके ऊपर मैं प्राइम कोट नहीं डाल रही हूँ, डायरेक्टली इसके ऊपर मैं ब्लैक एक्रीलिक कलर पुट कर रही हूँ। ब्लैक एक्रीलिक कलर ड्राई होने के बाद मैं सिंपली इसके ऊपर कुछ भी कोटेशंस, मोटिवेशनल कोटेशंस लिखने वाली थी। मैं पहले भी आपके साथ इस टाइप के एक दो वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और आपको वो वाला वीडियो इतना पसंद आया, आपके फीडबैक से मुझे पता चला। सो मुझे लगा क्यों ना उसे और ज्यादा मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने लाऊं। बस मैं इसके ऊपर डायरेक्टली लिखने वाली हूँ। आप यहाँ कुछ भी मोटिवेशनल कोटेशन इसे लिख के फिल कर सकते हो। मैं यहाँ डेयर टू ड्रीम लिख रही हूँ एंड इसे मैं अपने वर्क प्लेस डेकोरेशन पे यूज करूंगी। आप इसको अपने ऑफिस डेकोरेशन पे, स्टडी एरिया डेकोरेशन या फिर अपने लिविंग एरिया को डेकोरेट करने के लिए यूज कर सकते हो। आजकल इस टाइप के मोटिवेशनल स्लोगन या फिर मोटिवेशनल कोटेशंस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। बहुत ही कलरफुल वे में लोग इसे प्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ मैं पहले व्हाइट एक्रीलिक कलर से इसे पेंट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे जो बेस है वो ऑलरेडी ब्लैक कलर में है। अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी कलर्स पुट करूंगी, उसका जो सेट से वो उतना अच्छा नहीं आएगा और मुझे मल्टीपल कोट्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद जो भी कलर्स मैं यहाँ पुट करने वाली हूँ, जो भी डिजायर सेट्स में प्लान करके रखी हूँ, वो सारे मैं यहाँ अप्लाई करूंगी। सारे सिंगल सेट्स यहाँ अप्लाई करने के बाद एंड इसको जरा सा 3D लुक देने के लिए मैं यहाँ इस तरह इसे पेंट कर रही हूँ। एंड इसे पेंट करने के लिए मैं यहाँ 0 नंबर प्रेस का इस्तेमाल कर रही हूँ।
यहाँ मैं जितने सारे सेट्स यूज कर रही हूँ सब एक्रीलिक कलर से ही है। अगर आप चाहो तो आप इसके जगह चॉक पेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं सारे यहाँ एक्रीलिक कलर्स ले रही हूँ। जो भी कलर सेट्स मैं यहाँ यूज कर रही हूँ सबको मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको देख के फॉलो करने में ईजी हो। सो पहले तो डेयर टू ड्रीम वाला जो पार्ट है ये खत्म होने के बाद मैं उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, नहीं तो कलर इधर उधर लग जाएगा हाथों में। एंड ये ड्राई होने के बाद बस मैं इसे थोड़ा सा डट प्रिंट से प्रिंट करूंगी। प्रिंट करने के लिए मैं डटिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो आप ब्रश के जो पीछे वाला पार्ट है उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैं सारी कलर्स पुट करने के बाद अब इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसके ऊपर वर्निश भी डाल सकते हो। आप चाहो तो इसको सिंपली एक रोप के साथ हैंग कर सकते हो, चेन के साथ भी हैंग कर सकते हो, या फिर आप इसे स्टैंड के साथ भी डिस्प्ले कर सकते हो। बहुत ही एक इजी सा डीआईवाई था ये और आप सब इसे ट्राई कर सकते हो। आजकल इस टाइप के डीआईवाईज बहुत ज्यादा चल रही है मार्केट पे। सो आई रियली होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसे ट्राई करते हो तो मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा। इंस्टा हैंडल मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। अगर अभी तक आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किए हो तो जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे डीआईवाई वीडियो डालती रहती हूँ। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे आज नए आए हो, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आप तक मेरे सारे नोटिफिकेशन जाएगा। सो आज के लिए इस वाले वीडियो को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्दी बहुत सारे डीआईवाई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।